ये रसीला सॉफ्ट आंवले का मुरब्बा देखकर आप सभी को मम्मी या दादी नानी के हाथ के बने मुरब्बे की याद आ जाएगी। पर इस आंवले के मुरब्बे को बनाना इतना आसान है कि आपको इसे बनाना बच्चों का खेल लगेगा और आप इसे पहली बार में एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। खट्टा मीठा, चटपटा और स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसके इतने सारे फायदे होते हैं। और सर्दियों के सीजनल फल आंवले का मुरब्बा बनाकर आप एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो थोड़ी बहुत मेहनत होती है आप इसे बनाकर चखते ही भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये बेहद आसान आंवले के मुरब्बे की रेसिपी। आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो ये गोल गोल सुंदर आंवले लिए थे। जो आप बाजार से आंवला खरीद के लाए मुरब्बा बनाने के लिए, वो ध्यान रखिए किस तरह से एकदम साफ हो, उनपे बिल्कुल भी दाग धब्बे ना हो। इन आंवले को मैंने धोकर साफ कर लिया और इसे कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। अब हमें इन आंवलों को स्टीम करना है। तो यहाँ मैंने पानी गर्म होने को रखा है, इसके ऊपर स्टीमर का स्टैंड रख देंगे और ये आंवले हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। तो आंवले को आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भी उबाल सकते हैं, पर स्टीम करने से आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। यहाँ पर मैंने सारे आंवले को डाल दिया है और इसे हमें धीमी आंच पर 15 मिनट तक उबालना है। तो आंवले को देखिए मैंने लगभग 10 मिनट उबाला है और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। और इसको हम अभी थोड़ा सा उलट पुलट देंगे ताकि जो ऊपर हमने आंवला रखे थे वो भी अच्छे से पक जाए। तो बस 5 मिनट हम इसको और स्टीम कर लेते हैं। तो देखिए आंवले को मैंने 15 मिनट अच्छे से स्टीम कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आंवले को स्टीम करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसको धीमी आंच पर 15 मिनट ही उबालें। अब इन स्टीम किए हुए आंवले को हमें किचन टॉवल के ऊपर ऐसे रख देना है और इसके ऊपर जितना भी मॉइस्चर है वो हमें कपड़े से पोंछकर सुखा लेना है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से कपड़े से पोंछकर सुखा लें। आंवले को अच्छे से पोंछकर सुखाने के बाद हमें इसके ऊपर फोक की मदद से अच्छे से प्रिक करना है और हमें इसको अच्छे से प्रिक करना है। तो आंवले के अंदर तक इसको अच्छे से छेद करें ताकि जब हम इसको चाशनी पकाएं तो ये चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो सारे आंवले के ऊपर देखिए हमें ऐसे ही फोक से प्रिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे आंवले को गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो इस आंवले को हमें अभी ऐसे ही पंखे के नीचे रख देना है करीब 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो इन गोदे हुए आंवले को मैंने पंखे के नीचे 1 घंटे रखा था और अभी हल्के ड्राई हो गए हैं। अब हमें इन आंवले को उस बर्तन में रखना है जिसमें हमें मुरब्बा बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा पतीला ले रही हूँ, इसमें हम सारे आंवले रख देंगे और इसके बाद हमें इसमें डालना है चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे 700 ग्राम डाल रही हूँ और चीनी के साथ मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। तो आज मैं ये मुरब्बा जो है वो चीनी और गुड़ दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ चीनी ले सकते हैं या फिर सिर्फ गुड़ में भी इसे बना सकते हैं। तो जितना आपको मुरब्बा लेना है उतना ही आपको चीनी या गुड़ की क्वांटिटी लेनी है। तो चीनी और गुड़ डालने के बाद हमें इसको आंवले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर ले या फिर आप इस बर्तन को ऊपर नीचे कर ले जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने आंवले को चीनी और गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गैस की फ्लेम पर रखेंगे और फ्लेम को हमें पहले 2 मिनट मीडियम पे रखनी है। तो 2 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट देखिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और गुड़ जो है और चीनी वो अच्छे से पिघलना शुरू हो गई है। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक प्लेट से ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए। फ्लेम को धीमी करके इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक चीनी और गुड़ जो है वो पिघल नहीं जाती। बीच में आप इसको एक बार चला सकते हैं। तो देखिए मैंने 10 मिनट इसको ढककर पकाया है और आप देख सकते हैं चीनी और गुड़ जो है अब मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए वापस से हम इसको पकाएंगे। तो 10 मिनट बाद हम वापस से इसका ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं आप चीनी और गुड़ जो है वो पूरी तरह अच्छे से मेल्ट हो गई है और आंवला भी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हमें इस स्टेज पे इसमें इलायची डाल देना है। तो मैंने 4 से 5 इलायची को कूट कर लिया है, इसे इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें आंवले को अच्छे से पकाना है जब तक ये पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो अब हम इसको ढककर नहीं पकाएंगे, इसको धीमी आंच पर ही हमें आधा घंटा और पकाना है। बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है। तो आंवले के मुरब्बे को मैंने धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट और पकाया और अभी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। जब तक ये पूरी तरह से ब्राउन नहीं होने लगता है तब तक हम इसको पकाएंगे। तो लगभग 10 मिनट हमें इसको और पकाना है धीमी आंच पर ही। तो दोस्तों अब आप आंवले के मुरब्बे का कलर देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है। अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ तो बहुत आसानी से ये अलग हो रहा है और हमारा जो आंवले का मुरब्बा है वो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हो गया है। बस इसको
3 मिनट और पकाएं और फ्लेम को बंद कर दें। जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका कलर थोड़ा और डार्क होता जाएगा। तो बस हमें आंवले के सॉफ्ट होने तक ही हमें इसको पकाना है और इसको टोटल पकने में करीब 1 घंटे का टाइम लगता है। और इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको धीमी आंच पर ही पकाएं, बिल्कुल भी मीडियम आंच या तेज आंच पर ना पकाएं। तो अभी हम इस आंवले के मुरब्बे को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसको ऐसे ही रख देना है। आप इसको चाहें तो छन्नी से ढक कर रखें। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी है तो इससे आप ढक सकते हैं। इसे प्लेट से बिल्कुल ना ढकें, नहीं तो इसके अंदर स्टीम होके पानी जाएगा। तो इसे 4 से 5 घंटे इस तरह की छन्नी से ढककर हम रख देते हैं। तो दोस्तों 4 से 5 घंटे मैंने आंवले के मुरब्बे को ढककर रख दिया था और अभी आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया जूसी हमारा आंवले का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। और अगर आप मेरी इस रेसिपी से आंवले का मुरब्बा बनाएंगे तो आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। इसको बनाने में थोड़ी मेहनत और थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा उससे आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी और आपके परिवार वालों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इस तैयार आंवले के मुरब्बे को आप किसी भी एयरटाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं करीब 1 साल। बस इसको स्टोर करते टाइम ध्यान रखें आप जिस भी बर्नी में इसको रखें वो एकदम सूखा हो और कभी भी इसमें गीला चम्मच का प्रयोग ना करें। तो आप भी सीजनल फ्रूट से ये आंवले का मुरब्बा बनाकर इसका फायदा उठाएं। आंवले के मुरब्बे की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।